बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख। नाज़रीन, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी की जानिब से हमने गुज़िश्ता 2-3 एपिसोड के अंदर पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे बात की। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ के सिस्टम को किस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हमने मुख्तलिफ पैनल्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भुट्टा ने पाकिस्तान के हेल्थ के सिस्टम के हवाले से COVID-19 से पहले और COVID-19 के बाद जो पेशरफ्त हुई उससे हमें आगाह किया, लेकिन हम अभी मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं और हुकूमत का काम होता है कि उन मसाइल की निशानदेही करते हुए उनको हल किया जाए। गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हो रहे हैं वो आपको भी अंदाजा है, लेकिन जब निजी सेक्टर की बात करते हैं तो निजी सेक्टर पे बहुत सारे लोग इंडिविजुअल तौर पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम हमने नौजवानों के ऊपर मुख्तस किया है कि नौजवानों के कैरियर को किस तरह बिल्ड किया जाए और उनको किस तरह इंगेज किया जाए पॉजिटिव काम के अंदर, ताकि पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाया जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक आज पैनल तश्कील दिया है। वो पैनल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरे साथ पाकिस्तान से जो है बहुत ही मसरूफियात के बावजूद मौजूद हैं बजरिया स्काइप डॉक्टर NM भट्ट साहब। सितारा इम्तियाज हैं, प्रोफेसर ऑफ नैनो एंड टेक्नोलॉजी साइंस, चेयरमैन है प्रेस्टन के, और मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं कैलगरी यूनिवर्सिटी के। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन नवीद सैयद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर अनवर नसीम साहब। डॉक्टर अनवर नसीम साहब जो हैं उन्होंने NGI के हवाले से हमसे आज बात करनी कि NGI क्या है। पैटर्न इन चीफ है, इन्होंने बुनियाद डाली थी NGI की, कि NGI के जरिए जो है वो हर बंदा इंडिविजुअल तौर पे जो है अपना रोल प्ले कर सकता है और इस माशरे के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप एक बार फिर हम बैठे हुए और यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमने कहा पहले हमारे पैनल से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर NM भट्ट साहब, मैं आपसे ही प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट करूंगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मौजूदा सिनेरियो में अगर आप नजर दौड़ाएं तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासत जो है वो उरूज पर है, शुरू हो गया। ऐसा महसूस होता है कि सियासत के अलावा पाकिस्तान में अब कोई काम नहीं बचा और तमाम काम जो है उनसे फारिग हो चुके हैं। हमने सेहत पे भी अबूर हासिल कर लिया, एजुकेशन पे भी कर लिया और अपनी नौजवानों को एक ट्रैक पर डाल दिया कि आपने बड़े होकर सियासतदान बनना है। और देखिए हमारे सियासतदान जो है उनका जुमला अंदाज, उनका बयानिया किस तरह है और वो किस तरह हमारे इदारों को और हमारे मुहाफिजों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आप हमें बताइएगा कि इन सूरत हाल में आपको पाकिस्तानी नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो कैसा नजर आता है और उनको अगर इंगेज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं वहां से बैठ के? मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी कंट्री को सस्टेन करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो यूथ का रोल है और फ्यूचर आपने किस तरफ उसको ले जाना है, इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी जो है वो नौजवानों पर मुहित है और आजकल हम जो मीडिया, किसी भी मीडिया हाउसेस के किसी भी चैनल को आप खोलें तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो जो देख रही है, क्या उससे वो क्या सीख रही है? आपके ख्याल में जो दिखाया जा रहा है वही वो सीखना चाहती है? कि अक्सर हमारे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में, तो वो अपने नारेबाजी कर रहे हैं, वो अपने शुगल मेला चल रहा है और ये इसी चीज में कौम को देखिए, ये अफ्यून है, चाहे वो मजहबी नशा हो। आपने जो है वो ऊद भाई जैसे लोग जो टैलेंटेड थे उनको सिर्फ मजहबी उसके तौर पे लगा दिया। अब्दुल सलाम जो आपके नेशनल ट्रेजर था, आपने उनकी फेस के ऊपर जो है ना वो पेंट करके उनको कहा रांधे दरगाह कर दिया। देखिए पाकिस्तान के लिए जब तक हम नहीं सोचेंगे अपने जाती नजरियात को, जाती मफादात को पीछे रखकर, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए पाकिस्तान ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे लिए नेमत थी, एक गिफ्ट था, और हम जैसों के लिए जो बाहर बैठे हैं हम ये कहते हैं कि माँ चाहे डायपर में क्यों ना हो, माँ माँ होती है। तो ये मुल्क हमारी माँ है, हमारे आने वाले बच्चों को भी ये बावर करवाना पड़ेगा कि इसके लिए कितने हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है, तब जाके ये मुल्क बना है। तो खुदा के लिए यानी कौम के लिए सोचें, अगर आपने अपने मुल्क का फ्यूचर बनाना है तो ये जो फ्यूचर आपका 53% दुनिया रश करती है यंग जनरेशन के ऊपर, अब मुझे बड़ा इफ्तिखार है अपने यंग जनरेशन के ऊपर। ये स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, रिसोर्सफुल भी हैं, ये तो लाइब्रेरी भी नहीं जाते, लाइब्रेरी इनके हैंड हेल्ड डिवाइस पे आ जाती है। तो ये नेमतों को कंसीडर करते हुए खुदारा इसको टैग करें, चाहे वो मीडिया हो, हम बजाय इसके कि हम फिंगर पॉइंटिंग करें, सेंस ऑफ ओनरशिप। देखें जब तक एहसास मिल्कियत नहीं होता
किराए की गाड़ी को कोई नहीं धोता, कोई उसको वॉश नहीं करता। तो बच्चों को एक एहसास मिल्कियत दें कि ये मुल्क तुम्हारा है, इसकी एहसास तुम्हारी है, इसका फ्यूचर तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हें हम एम्पावर कर दें। वी सेट देम अप फॉर सक्सेस एंड इंशाल्लाह दिस विल टेक ऑफ। एक तो मीडिया पे मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में काफ़ी तनकीद कर चुका हूँ, मैं दोहरा नहीं रहा, इसलिए जब आप पाकिस्तान टीवी देखते हैं तो जो पैनल डिस्कशन वहाँ होती है, ये तो पहली दफ़ा मैंने देखा, ये मेरे लिए खुशगवार एक तब्दीली है कि ये आपका जो टीवी है आप उसमें जो सही सवाल हैं, बामानी सवाल हैं, वो उठाते हैं। अच्छा, अब ये जो इंडिविजुअल की बात है, मैं तो इस ख्याल से था कि किसी भी मुआशरे में, यानी सियासतदान भी हैं और लोग भी हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे 15-20-40-50 लोग जो हैं वो उस पूरे मुआशरे की जो भी सूरत हाल है उसको मुरतब करते रहते हैं, उसको तब्दील करते रहते हैं। तो 2009 में मुझे फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रेस्टन यूनिवर्सिटी ने आइडिया पेश किया कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की एजुकेशनल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं। तो उस वक्त 2009 में फिर एक कंटेम्पररी आइडिया जो था वो मैंने प्रपोज किया, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी प्राइवेट डिस्कशन में बात हो रही थी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए आजकल की करंट एजुकेशन सिस्टम में। तो बीएस लेवल पे हमने फिर प्रपोज किया कि 4 सब्जेक्ट्स हम टीच करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मटेरियल साइंस, बजाय इसके कि एक सब्जेक्ट में हम उनको ज़्यादा कर दें। लेकिन बेसिक एडवांस लेवल पे 4 सब्जेक्ट हमने ये बीएस 4 ईयर्स में 2010 में एडमिशन कर ली थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, नया कोर्स था, तो 10-12 स्टूडेंट्स आए, लेकिन फैकल्टी हमने बड़ी स्ट्रांग रखी जिसमें 6 बड़े एक्सपीरियंसफुल प्रोफेसर थे। उसका रिजल्ट ये एक नया इनिशिएटिव था यूथ के लिए। अब ये एक नई टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह अब 70% ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं बीएस मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री के, वो चाइना में, हांगकांग में, नॉर्वे में, जर्मनी में, साउथ अफ्रीका, रशिया में रिसर्च में उन्होंने स्कॉलरशिप्स लेके पढ़ रहे हैं। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। आप मुझे बताएं कि आपने भी इनिशिएटिव लिया, आपने यहाँ रहते हुए लोगों को इंगेज कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे वहाँ के जो सियासतदान हैं वो हमारी नौजवानों को इंगेज नहीं कर सकते? देखिए, इन्हें डॉक्टर साहब ने बात सही की, आप देखिए ना, मीडिया तो हमारे जमाने में भी था, आज इन्हीं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये किसकी मीडिया की परवान चढ़े, ये कोई नई चीज नहीं है। सियासत को हमारे यहाँ हमेशा से मुकदम रखा गया है किसी भी और शोबे के मुकाबले में, चाहे वो तालीम हो, लेकिन देखिए अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका। जो प्लेटफॉर्म लेके जो बातें कर रहे हैं या लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। बाकी ये बात कि लोग अगर मीडिया का कोई यानी मुस्बत भी तो माइंड सेट चेंज तब्दील करने में रोल होना चाहिए, ये ठीक है, वो कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है, मैं भट्ट साहब से जो है फाइनल कमेंट लेने जाऊंगा। एनएम भट्ट साहब, टीवी देखें, जनरल कंसेप्शन तो यही है कि ये ट्रेंड सेटर होता है, जो आप दिखाएंगे बच्चे यंग होते हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस को पेश करते हैं या अपने आर्गुमेंट्स को पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कमी हम लोगों की भी है कि प्रोफेसर्स बहुत कम हैं या साइंटिस्ट बहुत कम हैं जो अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें। बड़ा यूनिक है जो पाकिस्तान में हमने किया, वो लिंडाओ जर्मनी में पिछले कोई 51 से नोबेल लॉरेट्स करते होते हैं एक हफ्ते के लिए, और वहाँ पे दुनिया के यंग स्कॉलर्स जो हैं बिलो द एज ऑफ 35 और 30, बिटवीन 30 एंड 35, वो कोई 70-80 कंट्री से आजकल वो इकट्ठे होते हैं फॉर 1 वीक, 500 के करीब। तो वहाँ पे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो रही है सिंस 2003, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हर साल 5 से 10 स्टूडेंट्स, एक साल फिजिक्स, एक साल केमिस्ट्री और एक साल बायोलॉजी की वो मीटिंग होती है, और उसमें 25-30 बल्कि बाद का 40 नोबेल लॉरेट भी इनवाइट होते हैं एक सब्जेक्ट में। इट्स अ रेयर ओकेजन, दुनिया में कहीं भी एक हफ्ते के लिए नोबेल लॉरेट इतना टाइम नहीं देते। उसमें की पार्टिसिपेशन हमने 2003 में शुरू की, तो एक्चुअली वो हंगरी में इनवाइटेड था 2002 में एक इंटरनेशनल लेक्चर के लिए, तो वहाँ पे एक जर्मन ने मुझे ये बताया कि भई हम ये कर रहे हैं और दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, तो व्हाई डोंट यू सेंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स।
तो फिर मैंने आके एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कहा, पहली दफ़ा आठ स्टूडेंट्स हमने मेडिकल के, मेडिकल की बारी थी उस साल, तो वहाँ पे भेजे और मेरिट पे। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मेरिट पे अगर आप रहें ना तो आगे चीज़ चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चार पाँच साल जब हमने मेरिट पे बच्चे फिज़िक्स केमिस्ट्री और ये हर साल भेजते थे, तो वो पाँच साल के बाद वहाँ की जो प्रेजिडेंट थी, रॉयल फैमिली है, बर्नाडोट फैमिली, तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि हम पाकिस्तान के साथ एमओयू करना चाहते हैं। द रीज़न वाज कि वो मेरिट पे बच्चे जो सवाल जवाब करते थे उनकी रिपोर्टिंग जो थी वो उनको जब पहुंचती थी तो उन्होंने खुद अप्रोच किया, चंद एक कंट्री से उन्होंने फॉर्मल वो हायर एजुकेशन कमीशन इज सपोर्टिंग दैट प्रोग्राम, तो वो माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। ये आपकी बड़ी अचीवमेंट से जो है कि आपने बच्चों को इतना एंगेज। तो हमारे यहाँ देखिए मीडिया की भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपनी जगह हैं। अगर हम सब मिलकर भी एक चैनल ऐसा क्रिएट कर दें कि जिस चैनल के अंदर मकसद ही सारा यही हो कि एजुकेशन, वी हैव टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि देखिए अब वो जमाना गया कि हम जैसे एक वन ट्रिक पोनी जो है वो सर्कस में अपना तमाशा दिखा के चले जाते थे। अच्छी बात डॉक्टर साहब की, मैंने एक आर्टिकल लिखा न्यूज में और छपा भी है कि वी मस्ट ओन पाकिस्तान एंड व्हेन वी से वी मस्ट यूज इंक्लूड, एक तो बात। बाकी ये डॉक्टर साहब को याद होगा जब हायर एजुकेशन कमीशन बना था तो डॉक्टर तारामान साहब ने कहा कि एक एजुकेशनल टीवी सेटअप किया जाएगा, ये बहुत पुरानी बात है, आपने कहा ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं तो महबूब हमेशा सोचता हूँ कि वे फॉरवर्ड, अब अगला काम क्या करना है, ग्रूम करने के लिए, शख्सियत बनाने के लिए, सोच बदलने के लिए अगर वो अपने आप को वक्फ कर दें तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। प्रोफेसर डॉक्टर नवीस सैयद साहब, डॉक्टर एन एम भट्ट साहब, आपका आपने पाकिस्तान से इतनी लेट नाइट हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बन सके नवीस सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनवर नसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिन बात तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन अपनी बात अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि आपको 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी 100 साल ज़िंदगी से पहले एक दिन कोई एक ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको सैकड़ों साल जिंदा याद रखें कि ये भी कोई शख्स था या ये भी कोई नाम था जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम कर लिया जिससे हमारी यंग जनरेशन को एक रास्ता नज़र आ गया और वो हम कर सकते हैं। नवीस सैयद साहब ने बताया, डॉक्टर एन एम भट्ट साहब ने बताया, अनवर नसीम साहब ने बताया कि पॉजिटिव चेंज हमें लाना पड़ेगा, हमें अपनी मैंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी जो ज़ातियात है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें क्या करना है हमें इज्तिमाई तौर पर सोचना पड़ेगा, इसी से माशरे के अंदर मुस्बत तब्दीली पेश आती है। अपने होस्ट महबूब अली शेख को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।